अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फिजान और आज की इस वीडियो में आपको शर्जील खान, जो कि पाकिस्तान के एक पावर हीटर हैं, उन्होंने फिक्सिंग की थी जिसकी वजह से उन पर बैन लगा था। अब वो वापस आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और पीएसएल जो कि फरवरी में होना है 2020 में, पीएसएल 5, उसमें शर्जील खान कौन से टीम की तरफ से खेलेंगे इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, शर्जील खान लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से उन्होंने पीएसएल खेला था, उसमें उन्होंने उन पर कोई इल्ज़ाम लगा स्पॉट फिक्सिंग का, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया 5 साल के लिए। तो 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल के बाद वो डोमेस्टिक खेल सकते हैं और अब उनके 2.5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, 2.5 साल की सज़ा उन्होंने कम्प्लीट कर ली है, तो वो पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं। और इस बार जो उनको टीम सेलेक्ट करेगी वो मोस्ट प्रोबेबली कराची किंग्स सेलेक्ट करेगी। इस वक्त उनके पीछे 3 फ्रेंचाइजर्स हैं जो कि लगे हुए हैं और उनको गोल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। और दोस्तों, शर्जील खान जो हैं वो कराची किंग की तरफ से इस बार खेलते हुए नज़र आएंगे, ये अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन इनको जो गोल्ड कैटेगरी है पीएसएल की उसमें रख दिया गया है। दोस्तों, शर्जील खान बहुत जल्द पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी वापस आएंगे, जो इनकी मुकम्मल सजा है 5 साल की, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलेंगे, उससे पहले ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।